झाड़ियों में मिला बुजुर्ग व्यक्ति का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि दो दिन पहले लापता एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव सुबह उसके अहाते के बगल झाड़ियों से बरामद हुआ। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताते चले कि श्रावस्ती जनपद के सिसिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पूरे प्रसाद के मजरा भाते पूर्वा निवासी राजा राम पुत्र गुरु प्रसाद का शव सोमवार सुबह उन्हीं के हाथे के बगल झाड़ियों से बरामद हुआ। शव देखते ही परिजनों में चीख पुकार शुरू हो गई। सूचना पर सिरसिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि शनिवार देर शाम को खाना खाने के बाद प्रतिदिन की तरह राजा राम खेत की रखवाली करने के लिए घर से निकले थे। पूरी रात बीत जाने के बाद भी वो घर वापस नहीं लौटे। रविवार भोर से ही परिजन मृतक की खोज करने लगे, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं चल सका। सोमवार सुबह गांव के ही कुछ लोगों ने अहाते के बगल झाड़ियों में एक शव पड़ा देखा। शव मिलने की खबर होते ही ग्रामीणों के साथ परिजन भी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने बुजुर्ग व्यक्ति के हत्या की आशंका जताई है। मृतक के पुत्र राम स्नेही ने पुलिस को तहरीर देकर शव का पोस्टमार्टम कराने के साथ ही मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि राजा राम की हत्या कहीं और कर शव को अहाते के बगल झाड़ियों में फेंका गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है आपका? राम स्नेही। कहाँ रहते हैं? कांतपुरा रहते हैं। क्या मामला हुआ? सर हमारे पिताजी को मार के फेंक गए हैं आवाज़ में। परसों शाम को खाना खा के गए खेत रखाने के लिए। कल 4 बजे जब हम ड्यूटी से लौटे तो सिरसी चले गए थे, सिरसिया वैक्सीन जमा करने के लिए। वहाँ से जब आए घर पे तो शाम को अपने औरत से पूछे पिताजी खाना खा के गए नहीं। फिर हम खेत तक गए, खेत में गए तो खेत में नहीं मिले। फिर सुबह से हम ढूंढना चालू किया, उसके बाद आबादी में उनकी लाश मिली। अच्छा, क्या नाम है आपके पिताजी का? राजा राम। राजा राम। आपके दादाजी का क्या नाम है? गुरु प्रसाद। अच्छा, क्या उम्र होगी आपके पिताजी की? 60 वर्ष। लाश कहाँ मिली है? लाश मिली आबादी में, हमारे जगह में। अच्छा, क्या लगता है आपको? हमको लगता है सर उनको मार को फेंका गया है। किसी पे शक है जी? अब रिपोर्ट आने तक हम बताएंगे। भाई की मौत हुई है, आप कहाँ के रहने वाले, क्या मामला है? पूरे प्रसाद थाना भंतपुरा रहने वाले हैं। और परसों 8 बजे खाना खा करके निकले, उसके बाद में यहाँ कल हम लोग चले गए सीता दोहार नहान कर। हम तो इस वजह से हम कि अपना वो खाना खाए बे खाली घर के घर पे आते थे, शाम को सुबह खाना खाने के लिए आते थे और बाहर रहते थे, खेती बाती में अपन रहते हैं। तो कल जो है हम चले गए वहाँ पर, जो है लड़का ड्यूटी कर रहे थे, उनके छोट लड़का ड्यूटी कर रहे थे, है ना, मैं जो है वाइफ, तो ड्यूटी कर रहे थे। वो खा पी के चला गया और चाबी दे गया कि पापा आई हैं, तो उनका चाबी दे दियो, खोल के खाना खा लिया। बेटी एक चाबी दे के चला गया तो नहीं आया, जो है चाबी जब संध्या का आए तो वो चाबी उनका दी है। तो ये भाव कि नहीं आए तो संजय मतलब हेरिस, लेकिन हमसे लोगों ने नहीं बताई। हम संजय के यहाँ 6-7 बजे पहुँचे नहीं घर आए के नहान से। तो सवेरे साहब फिर ये भाव कि कहूँ यहीं तो उबे ही हैं, खेत पाते में ही तो उबे ही हैं। 8-9 बजे तक आशा देखागा तो बतावेला कि कल ही से जो है आया नहीं है। तो हम कहा नाते पाते में फ़ोन करो, फोन किए बाद में यहाँ कहूँ नहीं पता चला। तो उनका अब हेरो कुछ घटना है तो बेना ही मिला था, कहूँ जो है साइकिल वाइकिल नाते बातें गया थी तो साइकिल ले गया थी, साइकिल पता कि तो वो घरे ठहरी। तो उनका कहूँ कुछ घटना होएगा हेरो, तब जब हेरे लगागा है साहब पूरा खेत हेरा लगा और सब फिर हेर के तब जो है आबादी में हम कहा जाए कहूँ देख लो, तब लड़ी पोता हो मेरे भाई के वही गवाह है जो है तब देखी थी, तब पड़े रहे वहीं। और ये मुँह का चेहरा जो है साहब ये नहीं है, यहाँ पर बाएं बगल यहाँ पर जख्म घाव दिखाई दे रहा है कि कुछ कोई औजार से मारा गया है, इसी शंका से हम पीएम करने लाया है। अच्छा, आपके भाई का क्या नाम था? राजा राम।
और इनके राजा राम के पिता का क्या नाम था? गुरु प्रसाद। कितने साल के लगभग थे राजा राम? हाँ, राजा राम लगभग 55 साल के थे। थाने पर तहरीर दिया आप लोग? हाँ, थाने पर तहरीर दिया। अच्छा, जो लापता हुए थे गुमशुदगी उसकी तहरीर दिए थे थाने पर? नहीं साहब, आज दिया गया है। अच्छा, पहले नहीं दिया। अच्छा, कोई आशंका उशंका है किसी के हत्या होते की? आशंका साहब कोई अभी नहीं है। अब पीएम हुए के बाद में यहाँ कुछ आप ही बताई, तब फिर जो कुछ शंका है उसको स्वयं रिपोर्ट दिया जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? राजेश। कहाँ रहते हैं? क्या मामला हुआ है आपके यहाँ? यहाँ तो मर्डर हुआ है साहब, हमारे भाई का मर्डर हुआ है। कैसे? अब ये साहब हम खेत में रहे और ये परोहिन से लापता रहे, हमारे भतीज लोग हेरिन काल से हेरे शुरू किए तो आज लाश पाए। अच्छा, कहाँ मिला लाश? लाश पता नहीं कहाँ मार के लाश लेके आए हैं साहब, यहाँ जो उन्हें गांव के गुंडे रख दिए हैं घारी में। अच्छा, क्या नाम था उनका? राजा राम। क्या उम्र होगी लगभग उनकी? 50-60 साल के हुई हैं। अच्छा, ये कहाँ गए थे और कब से गायब है? ये परसों जो उन्हें शाम का खाना खाए खेत में गया, तब से हम जो उन्हें साहब इनका नहीं देखा, परसों ही से गायब है। अच्छा, आज मिला है लाश? हाँ, आज मिला है।